ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपए क्या हो अगर आपको सच में 15 लाख रुपए मिल जाए एक बार में, नहीं हर महीने 1000 रुपए करके विदाउट एनी कंडीशन। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इस इकोनॉमिक पॉलिसी को कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल यानी सबके लिए, एंड बेसिक स्टैंड फॉर एक बेसिक इनकम जो सबको दिया जा सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सच में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करी जा सकती है, अगर हाँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और जब इस पॉलिसी को लेकर एक्सपेरिमेंट करी गई तब क्या रिजल्ट निकला। तो करना, पहले बात करते हैं कि रीजन क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन बताया जाता है ऑटोमेशन के वजह से जॉब लॉसेस। कहा जाता है कि आने वाले टाइम में ऑटोमेशन की वजह से इतना जॉब लॉसेस होगा कि लोगों के पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए उनको एक बेसिक इनकम देना चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर पाए, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पाए। अच्छा, वेरी गुड। ऑटोमेशन के वजह से हुए जॉब लॉसेस के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आजकल कई डेवलप्ड कंट्रीज के सुपरमार्केट में सेल्फ चेकआउट मशीन आ गई है। नॉर्मली सुपरमार्केट के काउंटर में एक इंसान बैठता है जो आपके बारकोड को स्कैन करते हैं, फिर आप बिल पे करते हो, लेकिन इन सेल्फ चेकआउट काउंटर की वजह से उन लोगों की जॉब चली गई है क्योंकि इन काउंटर्स में आप खुद ही चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ कंट्रीज में मैकडोनल्ड का सेल्फ ऑर्डर स्क्रीन आ गया है जहाँ पर आप ऑर्डर करोगे और खाना आ जाएगा, कोई इंसान आपका ऑर्डर नहीं लेगा, तो वो जॉब भी चली गई। और क्या, आजकल रोबोट वैक्यूम आ गया है, तो जो लोग घर में सफाई का काम करते हैं शायद उनका भी जरूरत ना पड़े आने वाले टाइम में। और मार्केट में सेल्फ ड्राइविंग कार आने जा रहा है, अगर ऐसी गाड़ियां आ गई तो टैक्सी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी हर सेक्टर में अलग अलग लेवल पर जॉब लॉसेस होगा। अच्छा, तो इन सब चीजों को कॉम्पनसेट करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रपोजल लाया गया है। एज यू नो, हर आइडिया के कुछ एडवांटेजेस होता है और कुछ डिसएडवांटेजेस। पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। जो लोग यूबीआई के फेवर में है वो लोग आर्ग्यू करते हैं इस स्कीम को लागू करने से देश में इक्वालिटी बढ़ेगी, गरीबी खत्म हो जाएगी क्योंकि सबको एक बेसिक इनकम मिल रहा है। और क्या, दूसरा एडवांटेज बताया जाता है कि जो लोग ऐसे जगह पर काम करते हैं जहां पर बहुत कम सैलरी मिलता है, या फिर जो लोग मजबूरी में काम करते हैं अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, वो लोग अपना जॉब छोड़कर पैशन को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनको एक बेसिक इनकम तो मिल ही रहा है ना। और तीसरा एडवांटेज है, कोई अगर स्कूल या यूनिवर्सिटी में वापस पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है, उनको मजबूर में पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ेगा। और फोर्थ एडवांटेज इज, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल इनकम है यानी सबके लिए फ्री में बिना किसी पेपर वर्क बिना किसी कंडीशन के, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत कम हो जाएगी, सरकार के पैसे बचेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि कोई इसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है, जो कि नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अदर वेलफेयर स्कीम में होता है। अच्छा, वेरी गुड। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो लोग यूबीआई के अगेंस्ट है वो लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर सबको फ्री में पैसा मिल जाएगा तो लोग आलसी हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, बस बैठे बैठे पैसे लेते रहेंगे, अब अगर कोई काम नहीं करेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगी। और क्या, दूसरा डिसएडवांटेज है कि अगर आप सबको फ्री में पैसा बांटोगे तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हो जाएगा, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा और चीजों की दाम बढ़ जाएगा। अगर चीजों की दाम बढ़ जाता है तो इस यूबीआई का मतलब नहीं बनता, पहले भी आप कुछ खरीद नहीं पाते थे और अब भी नहीं खरीद पाओगे। अब इन्फ्लेशन कैसे काम करता है उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यू कैन चेक आउट। क्यों नहीं, तीसरा रीजन बताया जाता है कि लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे इन पैसों के ऊपर। अगर 5 सालों से किसी देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम चलता है और वो अचानक बंद हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी क्योंकि लोगों को इन पैसों की आदत पड़ चुकी होगी। अच्छा, एंड फोर्थ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरकार के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से लोगों को देने के लिए। सही बात है। अभी तक जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड मैंने आपको बताए वो सब एजम्पशन थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स के राय थे, लेकिन अब बात करते हैं कि इसे जब ट्राई आउट करी गई तब क्या रिजल्ट निकला। करो फिर। पहला एक्सपेरिमेंट है फिनलैंड से। जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के बीच में फिनलैंड की सरकार ने 2000 अनएम्प्लॉयड फिनिश लोगों को 560 यूरो पर मंथ दिया विदाउट एनी कंडीशन। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला जिन लोगों को फ्री मनी दिया गया उनकी हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिखा, उनकी हैप्पीनेस लेवल इम्प्रूव हुआ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल इम्प्रूव नहीं हुआ। अच्छा। एक एक्सपेरिमेंट इंडिया में भी करी गई थी 2010 में। मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट 20 गांव को सिलेक्ट किया गया, उनमें से 8 गांव को बेसिक इनकम दिया गया और बाकी 12 गांव को सेपरेट रख के कंट्रोल ग्रुप की तरह यूज किया गया।
इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि गांव वाले ने खाने पर और हेल्थ केयर पर ज्यादा पैसा स्पेंड किया। स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस 68% से बढ़ गया। गांव में बहुत सारे नए बिजनेसेस खोले गए। गांव की न्यूट्रिशन इंप्रूव हुआ एज कम्पेयर टू जिन गांव को बेसिक इनकम नहीं दिया गया। वेरी गुड। और इंटरेस्टिंगली ये दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट था जहां पर रिजल्ट पॉजिटिव आया था। मोदी जी वाह। Now the most important question is, ऐसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सरकार को कितने पैसे चाहिए होंगे? US की बात करें फॉर एग्जाम्पल तो US की पॉपुलेशन है अराउंड 330 मिलियन और सरकार $10,000 पर ईयर एक इंसान के ऊपर स्पेंड करने वाला है, तो सरकार को चाहिए होगा $3 trillion पर ईयर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जो कि बहुत बड़ा नंबर है US की इकोनॉमी से भी ज्यादा। बट एट द सेम टाइम ये बस एक सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन है। कई एक्सपर्ट मानते हैं इससे बहुत कम खर्चा होगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों को काउंट नहीं करा है, जैसे टैक्स रिटर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ईटीसी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो आप बेसिक फाइनेंस की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो जहां पर मैंने इस तरह के बेसिक फाइनेंशियल क्वेश्चन के बारे में बात किया है। Not again, sir.